पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। इससे तो हमारी पार्टी का स्टैंड विंडिकेट होता है, हमारी पार्टी की बुनियाद ही, हमारी पार्टी की बुनियाद पड़ी इसीलिए कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है या बातचीत से हल हो। क्या बातचीत में लास्ट टाइम सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए ना जी। तो लास्ट टाइम भी बड़ी कोशिश हुई थी, सारा पार्लियामेंटेरियंस आए थे उस वक्त, लेकिन बदकिस्मती से उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। उसके बाद दिनेश्वर शर्मा जी कोशिश कर रहे हैं, आज की बार तो बड़ा ही ये पॉजिटिव एक स्टेप है। राजनाथ जी ने कहा मैं पाकिस्तान के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं हुर्रियत के साथ बात करना, मुझे लगता है इनका रेसिप्रोकल एक पॉजिटिव एक मजबूत जवाब देना चाहिए, उनको आना चाहिए। अगर ये भी हमदर्द है, सच्ची बात तो ये है, अगर ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, उनका बिला रोक टोक विदाउट एनी कंडीशन आना चाहिए सामने और बातचीत करनी चाहिए। अभी 18 साल के बाद आज फिर एक कोशिश हुई कि एक तरफा सीज़ फेयर, एक तरफा फायर बंदी होगी। मुझे उम्मीद थी, मुझे आज भी उम्मीद है कि इसका हर जगह से, हर तबके, हर फिक्र से एक 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 पॉजिटिव रिस्पांस हो। ये पॉजिटिव रिस्पांस ना होने की वजह से ये जो एका दुका वाकत हो रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सीज़ फेयर से लोगों में कितनी राहत है, लोग आज मुझे लगता है राहत का सांस ले रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि इस सीज़ फेयर को एक्सटेंड किया जाए। सरकार लोगों के लिए होती है, डेमोक्रेसी में स्टेट लूज फॉर द सब्जेक्ट। तो अगर ये है फिर तो सब लोगों को, हिंदुस्तान को देखना चाहिए कि जो राहत मिली आज के बाद सीज़ फायर से, उस राहत को अगर वो बरकरार कायम दायम रखना चाहते हैं, अगर वो लोगों को राहत और देना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा इसको एक्सटेंड करना चाहिए।